ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन तीन महीनों की समयावधि में कौन सी बड़ी उपलब्धि या कौन सी बड़ी खुशखबरी मिथुन राशि वाले जातकों को अर्जित हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का, असफलताओं का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। उपाय के दौरान हम मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप स्वीकार करते हैं, कमियों को यदि आप एक्सेप्ट करते हैं, तो बेहतर स्थिति अप्रैल, मई और जून की समयावधि में आपको दिखाई देगी और कम प्रयास करने पर भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। तो राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अप्रैल, मई और जून की समयावधि में ग्रही स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, बुध से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और वायु तत्व राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि वाले जातकों में वाणी में चंचलता देखने के लिए मिलती है। फुर्तीले स्वभाव के जातक होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये जातक होते हैं। इनका विचार काफी खुला हुआ होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब ये जुड़ते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हंसमुख स्वभाव में रखना पसंद करते हैं, हंसाते हैं। इनके अंदर चतुराई काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र के अलावा हर फील्ड में एक अलग मुकाम पर पहुंचने में सफल होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों में योजना बनाने की एक बेहतरीन कला देखने के लिए मिलती है। लेकिन मिथुन राशि के जातक योजनाएं तो बनाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसका अनुसरण खुद नहीं कर पाते हैं। यदि इनकी योजनाओं को कोई दूसरा व्यक्ति अपनाने का प्रयास करे तो वो बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। इनके वाणी में यदि मंगल का प्रभाव हो जाए तो इनकी वाणी काफी ज्यादा आक्रामक भी होती है और वचन के काफी पक्के हो जाते हैं। कभी कभी मिथुन राशि के जातक अपने विचारों में काफी ज्यादा उलझे हुए रहते हैं और खोजी स्वभाव इनके अंदर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से किसी भी फील्ड में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो ये जीवन में योजना बनाते हुए जिज्ञासा के साथ बड़े बुलंदियों को अर्जित करने में सफल रहते हैं। तो ये तो हमने मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में आपको जानकारी दी। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान समय में आर्थिक समस्या लगातार बनी हुई है, वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या बनी हुई है। वहीं बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अकेलापन, निराशा या असमंजस जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पूर्व की 5 सालों की समयावधि में कर्म क्षेत्र को लेकर अप एंड डाउन काफी ज्यादा देखने के लिए मिला है, क्योंकि शनि जन साढ़े ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर पूर्व समयावधि में था। तो अब आने वाली स्थिति ये 3 महीने की आपके लिए कैसी रहने वाली है, इसकी चर्चा अब आइए हम करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको संक्षेप में ग्रही स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। अप्रैल से लेकर जून तक की समयावधि में राहु देव शुक्र के साथ आपके 11th हाउस पर अप्रैल की शुरुआत में गोचर करेंगे, जिसके पश्चात शुक्रदेव आपके राशि के द्वादश भाव पर 6 अप्रैल को चले जाएंगे, फिर आपके लगन भाव पर जाएंगे
और फिर द्वितीय भाव पर जाने वाले हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक आपके कर्म भाव पर गोचर करेंगे, फिर आपकी राशि के लाभ भाव पर गोचर करेंगे, फिर व्यय भाव पर चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक आपके कर्म भाव पर हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। उसके पश्चात यह राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण भी करने वाले हैं। शनि आपके राशि के नवम भाव पर तीनों महीनों तक गोचर करेंगे। केतु देव आपके राशि के पंचम भाव पर तीनों महीनों तक गोचर करने वाले हैं। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं बुध देव, जो आपके राशि के लाभ भाव पर अप्रैल की शुरुआत में प्रभावी होकर शुभ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र के मामले में करियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा है। तो दर्शकों, आपके राशि के दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे। शनिदेव आपके भाग्य भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो देखिए, कर्म क्षेत्र में रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अप्रैल से लेकर जून तक की समयावधि में आपके कार्यों में आपको संतुष्टि देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप चंचलता पूर्वक नहीं चलते हैं, एकाग्रता बनाकर जीवन में चलते हैं और किसी भी फील्ड में यदि आप जुड़े हुए हैं उसमें यदि आप रचनात्मक क्षमता इन्वॉल्व करते रहते हैं तो कार्यों में भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और आपके कार्यों की सराहना भी होने वाली है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन के लिए समय काफी अनुकूल है, बेहतर रहने वाला है। पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापार में नए साझेदारी में आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ अचानक से नौकरी में परिवर्तन आपके जीवन में 22 अप्रैल के पश्चात दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र में विशेष परिवर्तन दिखाई देने वाला है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, अप्रैल से लेकर जून तक की समयावधि में आपके राशि के धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना रहने वाला है और आपके राशि के लाभ भाव पर राहु देव गोचर करने वाले हैं। देखिए, खर्चों में आपको अप्रैल में काफी वृद्धि दिखाई देगी। मंगल की स्थिति लगन भाव पर बनी हुई है, यह स्थिति धनदायक नहीं कही जा सकती है, इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को अप्रैल के महीने में ऋण लेने और ऋण देने से भी बचना चाहिए। मई और जून की समयावधि में आर्थिक उन्नति होने का प्रबल योग बन रहा है। मई और जून के महीने की समयावधि में एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। उसके साथ साथ विदेशों में यदि आपका जुड़ाव है, विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनने वाली है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, व्यापारिक सफलता की वजह से धन आगमन आपके जीवन में पर्याप्त होने वाला है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक मामलों के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। बुध लाभ भाव पर प्रभावी है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर राशि के परिवार भाव के स्वामी होकर राशि के लाभ भाव पर गोचर करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ भावनात्मक संबंध आपके बने रहेंगे। किसी प्रकार की यदि अवांछनीय गलतफहमी आपके जीवन में बनी है उससे आपको निजात मिलने वाली है। अप्रैल में किसी नए मेहमान के आगमन की रूपरेखा बनाई जा सकती है। 15 अप्रैल तक की समयावधि में आपके घर में किसी नए संबंधी के आने की संभावना बन रही है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, प्रेम जीवन के मामले में यह समय आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। पंचम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रह केतु की मौजूदगी तीनों महीनों तक रहने वाली है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को संभल कर प्रेम संबंधों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपने प्रेमी के साथ झूठा दिखावा करते हैं तो आपको कई समस्याएं निर्मित होगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं, जो 22 अप्रैल तक काफी अच्छी कंडीशन में है। तो अप्रैल में 22 तारीख तक आपके वैवाहिक संबंधों में आपको काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ और सहयोग देखने के लिए मिलेगा। यदि आपके जीवन में संतान को लेकर किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी
उससे आपको निजात मिलने वाली है। संतान की प्रगति होने का योग बनेगा। संतान से आपको सुख भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जैसे ही देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ आपकी राशि के 11th हाउस पर गोचर करेंगे, आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी देव गुरु जब राहु के साथ गोचर करेंगे तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। इससे आपके वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के भ्रम की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को हम पहले ही समझा देना चाहते हैं, मई और जून के महीने में यदि आप दाम्पत्य संबंधों में चल रहे हैं तो आपको रिश्तों में पारदर्शिता की भावना रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी प्रकार के छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से आपको बचना चाहिए तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा और स्थितियां भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके राशि के लिए इन तीनों महीनों में अगर आपकी शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए 6 अप्रैल से लेकर मई के मध्य तक शुक्र अच्छी कंडीशन में रहेंगे, तो यदि आप विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको लाभदायक प्रभाव मिलेगा, श्रेष्ठता मिलेगी, शिक्षा में प्रगति देखने के लिए मिलने वाली है। मिथुन राशि के जातकों को बृहस्पति की स्थिति 22 अप्रैल के पश्चात 11th हाउस पर जा रही है और 11th हाउस पर गुरु मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के शिक्षा भाव को देखने वाले हैं। तो यदि आप इस समय अंतराल में एकाग्रता बैठा लेते हैं, यानी यदि आप अपने मन में सकारात्मकता और एकाग्रता बनाकर चलते हैं, तो ये दोनों महीने यानी मई और जून का महीना भी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बेहतर कहा जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों को मित्रगणों के संपर्क में आकर लापरवाही पूर्वक चलने से बचना चाहिए तो बेहतर स्थितियां शिक्षा के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल सकती है। अचानक से आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलने का योग प्रबल रूप से बन रहा है। यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव और आपके राशि के 6th भाव रोग भाव के स्वामी मंगलदेव बनते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों लगन पर मंगल का प्रभाव रहेगा और अप्रैल के मध्य के उपरांत बुधदेव आपके राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो 15 अप्रैल से लेकर मई के 10 तारीख तक की समयावधि में सेहत को लेकर विशेष देखभाल करके चलना चाहिए। इसमें मिथुन राशि वाले जातकों को सिर दर्द घबराहट की समस्या परेशान कर सकती है। इस समयावधि में विशेष तौर से वाहन चलाते समय आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खान पान की आदत पर आपको ध्यान देना चाहिए, सोने जागने की आदत पर आपको ध्यान देना चाहिए, चाय शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए, वहीं शराब धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी आपको बचना चाहिए। लगन पर मंगल का गोचर अच्छा नहीं है, इसकी वजह से छोटी मोटी बातों को लेकर अपने मन में व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से बचें। कोई यदि आप वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। सेहत के मामले में जून का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को मिथुन राशि के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए बुध से प्रभावित राशि होने की वजह से सर्वप्रथम मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर यह कमी होती है कि किसी एक स्थान पर किसी एक कार्य पर टिककर काम नहीं करते हैं, कई कार्यों को एक साथ करने की आदत इनके अंदर होती है, फलस्वरूप इनको जीवन में असफलता प्राप्त हो जाती है। तो यदि आप जीवन में चाहते हैं बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं, बड़ी सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो सकारात्मक होकर एक कार्य में आपको सफल होना चाहिए, उसके पश्चात आप दूसरे कार्य में हाथ डालें। दूसरी कमी, व्यर्थ के खर्च की आदत होने की वजह से अपने जीवन में धन संचय नहीं कर पाते हैं और जब इनको एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है, बड़े धनराशि की आवश्यकता होती है, तो इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो खर्चों पर भी मिथुन राशि के जातकों को संयम बनाकर जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा ऐसी स्थितियां मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित हो जाती है कि इन जातकों को अचानक से जब बड़े धन लाभ की संभावना बनती है, मांग बनती है, तो इनको जीवन में निराशा मिलती है। तीसरी कमी, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। जी हां, बुध के प्रभाव होने की वजह से अनुभवी लोगों की बातों को जल्दी महत्व नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मिथुन राशि के जातकों को उतार चढ़ाव और समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो यदि आप जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति के राय को परख कर अपने जीवन में इन्वॉल्व करना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ चतुर्थ कमी मिथुन राशि वाले जातकों में यह होती है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी छल कपट का भाव नहीं होता है, लेकिन इनके बोली में खुली बोली होती है, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति से खुलकर भावनाओं और बातों को व्यक्त कर देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इनका गुप्त शत्रु भी बन जाता है। तो देखिए, यहां पर कहा गया है बिना विचारे यदि आप बातों को व्यक्त करते हैं तो स्थिति प्रतिकूल बनेगी, इसलिए जीवन में नपे तुले शब्दों का आपको प्रयोग करना चाहिए। कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। तो यहां पर मिथुन राशि के जातकों को ऐसे शब्दों का प्रयोग जीवन में करना चाहिए जो आपके साथ साथ सामने वाले व्यक्ति को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो यदि ये चार बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये तीनों महीने काफी बेहतर रहेगा। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव, तो सबसे पहले तो गणपति की उपासना करना, ओम गम गणपते नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए काफी बेहतर है। उसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहतर रहेगा। ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको जप करना चाहिए। हरे चीजों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, हरे वस्त्र का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। बेजुबान जानवरों के प्रति मिथुन राशि के जातकों को दया का भाव रखकर चलना चाहिए। खासतौर से गाय के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते रहते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी सकारात्मक बनने वाली है। एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना यदि आप धारण करते हैं तो इससे आपके राशि के स्वामी की स्थिति काफी बेहतर होगी और आपको जीवन में मनोवांछित सफलता मिलेगी। तो ये सारे धार्मिक उपाय अपने जीवन में आप अपना सकते हैं, इससे आपके जीवन में चिंताओं से आपको समाधान मिलेगा और ग्रहों की नकारात्मक रश्मियां आपके ऊपर जो हावी हो रही है उससे भी आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोस के माध्यम से हम उसका समाधान कर सकें। ओम नमः शिवाय।